सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सभी ऑपरेटर जैसे एयरटेल, वोडाफोन, जियो, सभी ने अपने रिचार्ज प्लान काफी ज्यादा महंगे कर दिए हैं और ऐसे में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है एक महीने का रिचार्ज करवाने में, क्योंकि सभी कंपनियों ने अपने सारे रिचार्ज 21% से 25% तक काफी ज्यादा महंगे कर दिए हैं। लेकिन गाइस, क्या आपको पता है कि बीएसएनएल कंपनी ने अभी भी अपने रिचार्ज प्लान महंगे नहीं किए? उसके सभी रिचार्ज प्लान जैसे पहले थे, उसी रेट में, उसी प्राइस में आपको मिल जाते हैं और बीएसएनएल के सभी रिचार्ज प्लान काफी ज्यादा सस्ते हैं इन सभी ऑपरेटर एयरटेल, वोडाफोन, जियो, बीआई सभी सिमों की तुलना में। अगर आप किसी भी एयरटेल के सिम में अगर आप एक महीने का रिचार्ज करवाते 1500 एमबी पर डे डेटा का, तो आपको यहां पर ऐसे 299 या 298 के करीब पड़ता है, समथिंग 300 रुपए के। लेकिन यही रिचार्ज अगर आप लोग अपने बीएसएनएल की सिम में करवाते हैं तो ऐसे में आप लोगों को 149 रुपीज में 1 GB डाटा पर डे 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ मिल जाता है। अगर आपके एरिया में बीएसएनएल के नेटवर्क अच्छे आते हैं तो आप लोग ना अपनी किसी भी ऑपरेटर को सिम को बीएसएनएल में जरूर पोर्ट करवा लें, क्योंकि काफी ज्यादा सस्ते प्लान आपको बीएसएनएल की सिम में देखने को मिल जाते हैं। तो किसी भी ऑपरेटर की सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करवाने के लिए आपकी उस सिम में रिचार्ज होना चाहिए और रिचार्ज होने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने फोन के मैसेज को ओपन करना है। उसके बाद आप लोगों को वहां पर एक मैसेज टाइप करना है। मैसेज में आप लोगों को टाइप करना है PORT कैपिटल लेटर में, उसके बाद स्पेस, देन उसके बाद आप लोगों को अपना उस मोबाइल नंबर को यहां पर फिल कर देना जो भी आप लोग पोर्ट बीएसएनएल में करवाना चाहते हैं। उसके बाद इस मैसेज को आप लोगों को राइट करके 1900 पर सेंड कर देना। सेंड करने के 2 से 3 सेकंड के बाद आपके फोन में एक मैसेज आ जाएगा पोर्टिंग कोड, जो आपका एक यूनिक पोर्टिंग कोड होगा। तो अब आपके फोन में जो भी मैसेज आपको रिसीव हुआ है 1901 से पोर्टिंग कोड का यूनिक पोर्टिंग कोड, इस यूनिक पोर्ट कोड को आप लोगों को आपके एरिया में जो भी बीएसएनएल का स्टोर है उस स्टोर पर जाना है और जो भी पर्सन स्टोर पर बैठता है उस स्टोर वाले पर्सन से आप लोगों को बोलना है कि भाई मेरी सिम को ना बीएसएनएल में पोर्ट कर दो। तो वो पर्सन आपकी सिम को आसानी से पोर्ट कर देगा बीएसएनएल में और आपकी सिम 2 से 3 दिनों में पोर्ट हो जाएगी बीएसएनएल में। और जब भी आप लोग किसी भी ऑपरेटर से बीएसएनएल में किसी भी सिम को पोर्ट करवाते हैं तो ऐसे में आप लोगों को वहां पर कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला है। वहां पर आप लोग जो भी प्लान वगैरह करवाएंगे, एक महीने का रिचार्ज करवाएंगे, सिर्फ आप लोगों को वहां पर रिचार्ज के ही पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर आपके एरिया में बीएसएनएल के नेटवर्क अच्छे आते हैं तो आप लोग अपनी सिम बीएसएनएल में जरूर पोर्ट करवाएं और हो सकता है 2022 में बीएसएनएल हर जगह 4G नेटवर्क अवेलेबल कर दे। तो उम्मीद करता हूं आपको जो भी मैंने पोर्टिंग से रिलेटेड प्रोसेस बताई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और अब आप लोग किसी भी सिम को बीएसएनएल में आसानी से पोर्ट करवा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।